नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, सनातन धर्म में अलग अलग काम के लिए अलग अलग समय का निर्धारण किया गया है। जिस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ इत्यादि करना या आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए खास माना जाता है, उसी प्रकार सूर्य अस्त के समय संध्या वंदन करना अच्छा माना गया है। लेकिन दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर जब समय मिलता है उस वक्त कोई भी काम कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, ये समय के उपयोग की दृष्टि से सही लग सकता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे अनुचित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र और चाणक्य की नीति में हर चीज के लिए समय निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य अस्त के समय कुछ कार्यों को करने की मनाही है, इन्हें बहुत ही अशुभ माना गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं ज्योतिषी मान्यताओं के मुताबिक सूर्य अस्त के समय हमें कौन से काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में बर्बादी आ सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, सूर्य अस्त के समय ना लगाएं घर में झाड़ू। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के मुताबिक सूर्य अस्त के समय झाड़ू लगाना निषेध है। मान्यता है कि सूर्य अस्त के वक्त घर में झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिससे घर परिवार में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होने लगती है। दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्य अस्त के वक्त घर में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और देवी दुर्गा का आगमन होता है, इसलिए इस समय घर में झाड़ू लगाने से मना किया जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, सूर्य अस्त के समय सोना है निषेध। ज्योतिष की माने तो सूर्य अस्त के वक्त किसी भी व्यक्ति को सोने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, खास तौर पर जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। मान्यता है सूर्य अस्त के समय ऐसा करने से व्यक्ति की आयु छीड़ होने लगती है, साथ ही कई प्रकार की बीमारियां और परेशानियां आने लगती हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक सूर्य अस्त के वक्त घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए कहा जाता है सूर्य अस्त के वक्त माँ लक्ष्मी को दिया दिखाकर घर के दरवाजे कुछ समय के लिए खोलकर रखना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ सके और आप अमीर आदमी बन सके। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, सूर्य अस्त के समय खाना नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक ठीक सूर्य अस्त के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, और ना ही इसके लिए किसी को आग्रह करना चाहिए। कहा जाता है इस समय खाना खाने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, और साथ ही घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए घर से चली जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है, ये यूट्यूब चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।